इस वक्त मैं दरियागंज थाने के बाहर मौजूद हूँ। आप देखिए वही गाड़ी थी जिसको जला दिया गया था कल। हालांकि पुलिस ने समय रहते इसकी आग को बुझाया, लेकिन ये पूरी तरह से फिर भी गाड़ी जल गई है। फिलहाल स्थिति यह है कि अभी भी देर रात प्रोटेस्ट हुआ था पुलिस हेडक्वार्टर्स पर, और उसके बाद कुछ लोगों को डिटेन किया गया था। ये पता चला है कि 20 से 22 लोगों को छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी करीब इतने ही लोग जो हैं वो डिटेन्ड हैं। और जाहिर तौर पर ऐसे में पुलिस का कहना है कि उनको अभी जाँच चल रही है इस पूरे मामले की, क्योंकि जिस तरह से पुलिस हेडक्वार्टर्स पर वो लोग जमा हुए थे उसके बाद का पुलिस ने डिटेन किया था, उनको मना किया गया था क्योंकि उनका कहना था कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये वही गाड़ी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे से, कैमरा विपिन के साथ। ये आप देख सकते हैं कि इसको बुरी तरह से जला दिया गया था। अभी आपको हालात अगर दिखाना चाहूँ, ये DCP ऑफिस भी है, इसके बिल्कुल बराबर में दरियागंज थाना भी है, और हालात आप देखिए अभी तो सामान्य बने हुए हैं, लेकिन चूँकि ऐसे में एहतियात के तौर पर पुलिस आज भी एक्टिव रहेगी। और 12 इसमें पुलिसकर्मी कल इंजर्ड हुए थे जिस तरह से घटना हुई थी, और दिल्ली के तमाम इलाकों में, चाहे वो दिल्ली का सीलमपुर इलाका हो, जाफराबाद इलाका हो, जामा मस्जिद इलाका हो, दरियागंज, तमाम जगहों पर जो है ये कहा जा सकता है कि काफ़ी हंगामा हुआ था। और उसके बाद ये जो है कहीं ना कहीं पुलिस ने भी काफ़ी एक्शन लिया। हालांकि दिल्ली में कोई बड़ी हिंसा घटना नहीं हुई सिवाय गाड़ी जलने के। तो अभी फिलहाल स्थिति ये है कि पूरे मामले की पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। पुलिस ने ये कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे, लेकिन जिस तरह से तमाम जगहों पर, चाहे वो शास्त्री पार्क हो, चाहे वो कबीर नगर हो, जाफराबाद हो, मुस्तफाबाद हो, जामा मस्जिद हो, दिल्ली के माइनॉरिटीज़ जामिया हो, तमाम ऐसी जगह जहाँ माइनॉरिटीज़ रहती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक तरह से कहा जाए हंगामा हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुआ था। और उसके बाद अब स्थिति यह है कि फिलहाल तो शांत है चूँकि सुबह के 9 बजे, लेकिन अभी भी एहतियात के तौर पर पुलिस जो है लगातार ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई कर रही है। लगातार पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों को डिटेन भी किया पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाद, रात में 10 बजे के बाद लोग इकट्ठा हो गए, उनको डिटेन भी कर लिया गया, और अब कुछ लोगों को छोड़ भी दिया गया है। लेकिन अभी भी हालात आप देख सकते हैं कि ये कहा जा सकता है कि आज भी पूरा दिन पुलिस का जो एक्शन है वो रहेगा, और कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो इन तमाम इलाकों में, चाहे वो सीलमपुर इलाका हो, जाफराबाद हो, जामा मस्जिद हो, इन तमाम इलाकों में पुलिस की गश्त आज भी रहेगी।